साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, विदेशों में जमा काला धन लाने की बात कही थी, 15-15 लाख हर एक नागरिक के खाते में ला करके देने की बात कही थी, पहुंचाने की बात कही थी, आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, ये सर्वविदित है और आप लोग जान रहे हैं। हकीकत तो ये है कि काला धन विदेशों से तो आया नहीं, जो हमारे देश का एक नंबर का आम लोगों की गाड़ी कमाई का भारतीय बजट के रूप में जो हमारे देश का बजट है, उस बजट में से ही लाखों करोड़ रुपए श्री माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, देते ना जाने कितने लोग लेकर के हमारे देश से विदेश चले गए, और इस देश का अपने आप को चौकीदार बताने वाला वो झूठा जुमले बांध करके देखता रहा और उसने जाने दिया। माल्या यहाँ से चला गया और उसे जाने दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ 4 लाइनों के साथ कि थमाकर नीम तुमको वो चंदन ले गया, वो अपने सारे कारोबार को लंदन ले गया, छाती ठोक कर जो कहते थे काला धन लाएंगे, 56 रुपये सीना वाले थे भाई, छाती ठोकते थे और कहते थे काला धन लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, वो तो नहीं आई। तो मैं कह रहा था कि थमाकर नीम तुमको वो चंदन ले गया, वो अपने सारे कारोबार को लंदन ले गया, छाती ठोक कर जो कहते थे काला धन लाएंगे, उन्हीं की नाक के नीचे से सारा धन ले गया। और ये एक हकीकत है, नोटबंदी के हालात देखिए और आज हमारे देश की वास्तविक स्थिति भी देखिए, आज गरीब मजदूर मजलूम और किसान जान देने को मजबूर, महिलाओं का शोषण हो रहा है, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई और पीट पीट करके एक दलित की हत्या कर दी जाती है, कोई दलित गोली और चैन पहन करके आ जाता है तो उसकी शामत आ जाती है, घोड़ी में चलकर अगर बारात निकालना चाहता है तो उसकी शामत आ जाती है। आज ये हालात है, इस पर आप लोग विचार कीजिए कि आज हमारा देश किस दशा में जा रहा है। जो बेचारा बेरोजगार है वो मारा मारा भटक रहा है इस उम्मीद पर कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, लेकिन अगर उसे खाने को मिल रही है तो लाठियां मिल रही है, ये सोचने की बात है। सांप्रदायिकता का बोल पाला है, नफरत सर चढ़कर के पूरे देश में बोल रही है, आज आप लोगों को गौर करने की बारी आई है, आप लोगों को ध्यान देने का वक्त आया है, आप लोगों को सही फैसला सही निर्णय करने का वक्त आया है, सोच समझ करके सही फैसला लेने का काम कीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ, नोटबंदी के समय जो माँ बहने हमारी बैठी है, उन्हें भी जो उन्होंने अपना आने वाले वक्त में छुपा करके पैसा नहीं रखा था, बचा करके पैसा रखा था, वो भी सामने निकल गया, सारा पैसा जमा हो गया, और उसके बाद भी काला धन बाहर से नहीं आया। हमारे पूरे देश के बजट पर 1,80,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ गया, इतने घाटे में हमारा देश चला गया। और जो बेचारे 80-80 साल 85-85 साल के हमारे बुजुर्ग थे, उन्हें लाइन में लगना पड़ा, जिन पिताओं की बेटियों की शादियां थी उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया, गर्भवती महिलाओं को लाइन में लगना पड़ा, और लाइन में लगे लगे बच्चे भी पैदा हो गए और नाम तक खजांची रख दिया गया। एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी में समाजवादी पेंशन योजना लागू थी, बैंक कुमारी मायावती जी के समय पे ये कानूनियां बनाई गई थी, और वो जो समाजवादी पेंशन योजना लागू थी, राशन किट दी गई थी, वृद्धा पेंशन दी गई थी, वो सारी स्कीमों को रोक दिया गया और इस देश के विकास का चक्का जाम कर दिया गया। आज इन करोड़ लोगों से बदला लेने का वक्त आ रहा है, अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करके, सही प्रयोग करके, GST के नाम पर न जाने कितने टैक्स लगा दिए क्रूर शासक ने, न जाने कितने टैक्स लगा दिए, एक देश और एक टैक्स का नारा लेकर के और 28% तक टैक्स लगा देने का काम किया। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में जब GST लागू की गई तो हमारी जो प्रदेश सरकार है, योगी जी की प्रदेश की सरकार है, वो केंद्र सरकार 23% और प्रदेश सरकार 34% वैट के रूप में दोनों मिलाकर के टैक्स वसूल करती है डीजल और पेट्रोल से, इनको जोड़ दीजिए तो 57% टैक्स होता है, तो फिर GST के आधार पर लागू किया गया। आज गरीब आदमी परेशान लाचार और मजबूर है। इन्हीं मोदी जी ने जब गुजरात में ये मुख्यमंत्री थे तब जो गरीबी रेखा की सीमा आती गई थी तो 21 रुपए कमाने वाले को गरीब नहीं माना था मोदी जी ने अपनी सरकार में। मैं इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, 21 रुपए जिसकी रोज की कमाई है उसको गरीब नहीं माना था। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के हक में कि गरीबों से कोई पूछे वो कैसे घर जलाते हैं, किसी दिन चूल्हा जलता है किसी दिन दिल जलाते हैं, गरीबों से कोई पूछे वो कैसे घर चलाते हैं, किसी दिन चूल्हा जलता है किसी दिन दिल जलाते हैं,
वो जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, जिस दिन न मिला काम तो बच्चे भूखे पेट भी सो जाते हैं। ये हकीकत है हमारे मुल्क की, जिसको आज बदलने का वक्त आ गया है। ये जो महागठबंधन बना है, ये विकास की क्रांति लाने के लिए बना है, और आप लोग अपना सही फैसला करें। चुनाव निशान साइकिल पर 6 मई को एकजुटता के साथ इतनी भारी तादाद में बटन दबाने का काम करें कि भाई श्यामाचरण जी यहाँ से एक रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ दिल्ली जाने का काम करें। ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ। इसी के बाद किसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन भाई।